आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फन दे हैड क्लास 9th के बुक का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फन दे हैड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो हम लोग पैरा नंबर 1 से शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट डैट इन द डायरी। तो ऑन द पेज हेडेड 17 में एंड शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक एंड इट वॉज वेरी ओल्ड। मार्गी वंस सेड दैट वंस ही वॉज लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरी वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। यहाँ पर क्या बताया गया है कि मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इस बारे में लिखा था, जो पेज नंबर पेज पर लिखा था और पेज पर डेट क्या डाला था, 17th मई 2157। तो यहाँ पर बहुत भविष्य की बात किया जा रहा है इस कहानी में। और उसने क्या लिखा कि आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिला। वास्तविक जो पुस्तक होती है वो आज टॉमी को मिला। यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, मार्गी और टॉमी। मार्गी एक लड़की का नाम है और टॉमी एक लड़के का नाम है। अब क्या दिया हुआ है कि टॉमी फाउंड ए रियल बुक, इट वॉज़ वेरी ओल्ड। वो बुक जो था वो बहुत पुराना था। एक बार मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, ठीक है, और मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे और उनके ग्रैंडफादर भी जब छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक समय था जब जितने भी कहानियाँ होती थी, जितने भी स्टोरीज होते थे, वो सब पेपर पर प्रिंट होते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि मार्गी के जो दादाजी थे वो जब छोटे थे और उनके जो दादाजी थे मतलब कि जो परदादा, तो वो बताए थे कि जो पहले ज़माने में जो भी स्टोरीज हुआ करती थी वो सब पेपर पर प्रिंट होता था। जैसे हम लोग आज किताबें पढ़ते हैं उसी तरह से पहले। यहाँ पर बहुत फ्यूचर का बात किया गया है, आप देख सकते हैं 2157, बहुत भविष्य का बात किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है, दे टर्न द पेजेस विच आर येल्लो एंड क्रिंकली। जब उसने पेज को पलटना शुरू किया तो उसने क्या देखा कि जो पेज थे वो बहुत पीले थे और क्रिंकली मतलब होता है बहुत, उसमें जैसे कि हम लोग क्रिंकली का मतलब कि बहुत फोल्ड्स विथ मैनी लाइन्स, कि उसमें बहुत सारा फोल्ड था, बहुत सारे, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कोई पुराना अगर बुक खो जाता है तो वो उसका पेज कैसा होता है, बहुत उस पर लाइनिंग जैसा कुछ आ जाता है, पीला पड़ जाता है पेज। तो यही चीज़ हुआ था। इट वॉज अवे फुल फनी टू रीड द वर्ड्स डैट स्टूड स्टिल ऑफ मूविंग द वे वे आर सपोज ऑन द स्क्रीन यू नो। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि ये बहुत वो लोग के लिए बहुत ये बात फनी था, बहुत एक तरह से मजाक जैसा था, ठीक है, बहुत हंसीदार हंसी जैसा था। क्यों था? क्योंकि जो भी वर्ड्स बुक पर लिखे गए थे वो एक जगह स्टिल थे। स्टिल का मतलब क्या होता है, एक जगह स्टिल थे। तो जो भी वर्ड्स बुक पर लिखे गए थे वो सब क्या थे, एक जगह स्टिल थे और मतलब कि एक जगह फिक्स्ड हैं और ऑन द स्क्रीन यू नो। लेकिन वो अब देखिए यहाँ पर जो बात किया गया है वो बहुत ही फ्यूचर का बात किया गया है। उस समय किसी भी प्रकार का इस तरह का बुक नहीं हुआ करता था जैसा हम लोग आज पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ करता था, वहाँ पर हुआ करता था टेली बुक, जो हम लोग जैसे कि जो PDF जो हम लोग पढ़ते हैं मोबाइल पर लैपटॉप पर, तो वो क्या होता है उसको टेली बुक कहा जाता है। तो उस ज़माने में वह उसी तरह का बुक मतलब कि हुआ करते थे। एंड देन वे सपोज द टर्न बैक द पेजेस बिफोर द सेम वर्ड्स ऑन द दे हैड रीड एट द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग इस बुक को एक बार अगर पढ़ लिए, और जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि बुक मान लीजिए 2 दिन से रखा हुआ है, ठीक है, और आप फिर से उस बुक को खोलें तो जो भी वर्ड्स जो जहाँ पर लिखा हुआ है वो वहीं पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो उड़ के वो वर्ड्स वहाँ पर चला गया और वो वर्ड यहाँ पर चला गया। तो वो ये बात जो है वो लोग को बहुत फनी लगता है, बहुत मजाक जैसा लगता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि गी क्या होता है, तो गी एक तरह से हम लोग कोई ख़राब कोई एक्सप्रेशन को बताता है, ये एक एक्सप्रेशन है। गी सेड टॉमी, टॉमी कहता है व्हाट ए वेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, गी टॉमी सेड व्हाट ए वेस्ट, ये बहुत VVI लाइन है दोस्तों, बहुत VVI लाइन है और इसको आपको समझना होगा क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन में आता है कि गी टॉमी सेड व्हाट ए वेस्ट, हर बार क्वेश्चन में आता है। तो व्हेन यू आर गो थ्रू विल बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। अब यहाँ पर टॉमी क्या कह रहा है कि अगर इस बुक को अगर एक बार हम लोग पढ़ लिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा इसको। और आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव मिलियन ऑफ बुक्स एंड गुड्स फॉर प्लेंटी मोर। और हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर इससे मिलियंस बुक पड़े हुए हैं और जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं। आई वुड थ्रो इट अवे, तो इसे फेंकना ही पड़ेगा। सेम टाइम सेम विथ माइन सेड मार्गी। लेकिन अब मार्गी क्या कहती है कि
अब मार्गी कहती है कि मेरा भी यही का नाम था। और मार्गी अब देखिए यहाँ पर बताया गया है जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शी वाज इलेवन। अब यहीं पे वो लोग के एज के बारे में ही बता दिया गया है। जो मार्गी है वो 11 साल की है, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। और जो टॉमी है वो 13 साल का है। तो मार्गी 11 ईयर और टॉमी 13 ईयर्स। आगे हम लोग देखते हैं कि शी सेड वेयर यू फाइंड इट, और वो कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। इन माई हाउस ही पॉइंटेड लुक द एटिक ऑन बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक वाट अबाउट स्कूल। तो जो टॉमी है वो कहता है कि मेरे हाउस में और एक बार विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग और इन द एटिक। तो उसको ये बुक कहाँ पर मिलता है, एटिक पर मिलता है, ठीक है। एटिक क्या होता है, एक जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि छत पर एक स्टोर रूम टाइप का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टोर रूम का यूज़ करते हैं, कुछ भी सामान वामान कबाड़ी उबाड़ी स्टोर उसमें करते हैं, तो उसको एटिक कहा जाता है। तो हमारा सेकंड पैरा जो है वो कंप्लीट हुआ। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल व्हाट दे राइट अबाउट स्कूल। मार्गी ने बहुत तिरस्कार भरी हुई से कहा कि स्कूल के बारे में लिखने में उसे क्या है। आगे क्या लिखा हुआ है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, परंतु सबसे ज़्यादा वह नफरत करती थी, ठीक है, किससे, स्कूल से। और क्या बताया गया है कि जो मैक देखो यहाँ पर क्या, वहाँ पर जो भी टीचर्स होते थे वो हमारे जैसे नहीं होते थे, जैसे कि हम लोग इंसान ही इंसान को पढ़ाता है, ठीक है, ह्यूमन टीचर होता है। लेकिन उस समय क्या होता है, ये फ्यूचर की बात है, तो उस समय क्या होता है, मैकेनिकल टीचर होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर जो होता है उस तरह से। तो मैकेनिकल टीचर का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या मैकेनिकल टीचर का मतलब है। गिविंग अ टेस्ट, वो क्या मैकेनिकल टीचर जो थे वो टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहे थे ज्योग्राफी में। और शी हैड बीन डूइंग वर्स एक जैसे कि बहुत ख़राब परफॉर्मेंस होते जा रहा था मार्गी का। एंड वर्स अनटिल हर मदर कुड शेकन हेड सॉरोफुली एंड सेंड टू द काउंटी इंस्पेक्टर। बहुत समझने वाला बात है यहाँ पे। तो उसकी जो मदर है वो बहुत सॉरोफुली बहुत गुस्से में उसका सिर हिलाती हैं, ठीक है, ऐसे हिलाती हैं, और उसको कहाँ पर भेजती हैं, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। जो उसके मैकेनिकल टीचर थे उनको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती हैं, ठीक है। आगे क्या बताया गया है कि ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड होल बॉक्स विथ टूल्स विद द डायल्स एंड वायर्स। और काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, एक गोल मटोल सा आदमी था, ठीक है, एक राउंड मैन था जिसका मुंह क्या था, रेड था, लाल था, और उसका जो बॉक्स था उसमें बहुत सारे टूल्स थे, बहुत सारे औजार थे और डायल्स थे और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव अप हर एप्पल। वो मार्गी की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और उसको एक एप्पल देता है। ही टुक हर टीचर अपार्ट एंड उसको अपने टीचर उसको उसको लेकर जाता है टीचर को एंड उस थोड़ा दूर लेकर जाता है। मार्गी हैड होप डैट ही वुड नॉट पुट अगेदन टुगेन एंड बट ही नो हाउ ही राइट एंड हाफ एन आवर वॉज अगेन लार्ज ब्लैक अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच लेसन्स आर सो क्वेश्चन वेयर आस्क। तो मार्गी ये क्या होप करती थी कि वो जो है वो नहीं ठीक हो पाए, ठीक है, वो नहीं ठीक हो पाए, बट ही न्यू ऑल द राइट एंड आवर्स। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो मार्गी की तरफ वो हंस कर देखता है और उसको एक एप्पल देता है। और मार्गी होप डैट ही वुड पुट इट अगेन एंड ही वुड ऑल राइट एंड बट हाफ एन आवर इट वॉज अगेन लार्ज अगली ब्लैक विथ अ वाइट स्क्रीन। अब यहाँ पर बताया क्या है, मैकेनिकल टीचर का अपीयरेंस, मैकेनिकल टीचर कैसा दिखता था, तो वो बहुत ही लार्ज था, अगली था, ब्लैक था, और अगली मतलब क्रूप होता है, और उसके पास एक बिग स्क्रीन था जहाँ पर जो भी लेसन्स वो पढ़ाता था वो दिखता था वहाँ पर, और क्वेश्चन भी पूछता था जैसे हम लोग पूछते हैं। डैट वॉज नॉट बैड, वो ज़्यादा भी बैड नहीं था। द पार्ट वॉज मार्गी हेटेड, कौन सा पार्ट मार्गी को सबसे ज़्यादा हेट करता था, सबसे ज़्यादा नफरत था, तो मोस्ट वॉज द स्लॉट, जहाँ पर उनको होमवर्क डालना होता था और जो टेस्ट पेपर डालना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पंच कोड, पहले तो पंच कोड पर राइट करना पड़ता था और तब वहाँ से डलाता था। एंड ही वॉज 6 ईयर ओल्ड, एंड वो मार्गी कब से ये काम करती है, जब वो 6 साल की थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही वो डालती थी तो आपको पता ही है रोबोट हैं, जल्दी से बता देंगे, तो जैसे ही डालती थी वैसे ही मैकेनिकल टीचर उसका मार्क्स बता देता था।